जी नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका पब्लिक पोल पॉइंट्स में। और इस वक्त फिलहाल हम गांधी मैदान पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस को लेकर के आपको देख सकते हैं उधर काफ़ी संख्या में लोग भी आपको दिखेंगे और बहुत सारा कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। फिलहाल तो भी हमारे सामने कृषि विभाग है और वहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था की गई है। पानी पीने की तो बहुत व्यवस्था की गई है, एक बार भैया थोड़ा सा आगे आइएगा। पानी के पास इतना दलदल जैसा बना हुआ है, ग्लास नहीं है पानी पीने के लिए, एक टैंकर लगा दिया गया है और टैंकर लगाने के बाद पानी पीना है आपको तो हाथ में हाथ से उठा करके पानी पीजिए। पंकज जी थोड़ा सा इधर आइएगा आप। अब उधर देखिए, इस रास्ते में आने के लिए इतना दलदल पानी का शिकार, इनको पानी का सामना करते हुए आगे आना होगा। तो कुछ जानकारी यहाँ बस भैया बढ़िया चीज भी दिखा रहे हैं तो यहाँ पर। अच्छा पंकज जी, अभी आपको प्यास लगी थी तो पानी कैसे? कहना यही चाहूंगा कि बिहार दिवस है, खुशियां मना रहे। कैसा खुशियां मनाएंगे भाई? नीतीश कुमार जी नल जल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कितना पानी बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर सामने में देख लीजिए जूता सबका, देख लीजिए क्या स्थिति हो गया है। ये मैनेजमेंट टीम को सबसे पहले उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। 3 दिन की ये बिहार दिवस है और आज पहला दिन है, 3 दिन तक ये पानी बर्बाद होगा। इतना दिन तक ऐसे पानी बर्बाद, सिर्फ एक जगह नहीं, आप आगे भी जाइए वहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति है। देख लीजिए ना, पूरा स्थिति देख लीजिए किस तरह से कचरा। इसीलिए हम बिहारी जाने जाते हैं, हम बिहारी को जो कहता है गधा हो तुम लोग, किस लिए? पब्लिक क्या करेगी, ग्लास दिए ही नहीं है तो ऐसे ना हाथ डाल डाल के पानी पिए। वही तो बोले, यहाँ के नेता जो हैं हम लोगों को गधा बना दिया गया है, उसी के लिए जाने गए। बिहारी गधा थोड़े होता है, बिहारी का जो नेता है वो गधा वाला काम करता है तो बिहारी गधा बनता है। आप देख लीजिए ना, जब जो मंच पर चढ़ करके मारेंगे, लोल पर चढ़ जाओगे पोल पर, वो बोले तभी ना बिहारी की छवि बर्बाद हुआ जी। देखिए 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 पीछे साइड, पीछे साइड, पीछे साइड, अब ये देखिए ये क्या स्थिति हो रही है। देखिए कितना पानी बर्बाद हुआ, वो 4 चुरुक पानी पिए हैं समझे, और जो है 6 चुरुक पानी जो है बर्बाद हो गया है। चुरुक मतलब जो आजुर जिसको हम बोलते हैं, अभी हम लोग का ये अपना लैंग्वेज है चुरुक, ये मिथिला का लाइन है। 4 चुरुक, अभी देखिए महिला पानी पीने जाएगी, छोटका सा कप में जो है वो बचवा का पानी पिला रही है, पानी ले जाएंगे। वो छोटका सा जो कप में है वो महिला जो है, सामने दिखा दीजिए उनको, वो बच्चा को जो छोटका सा बच्चा देखा नहीं, दिखाइए उनको, दिखाइए वो बच्चा को जो है पानी पिलाएगी। अब बताइए ये स्थिति है हमारे बिहार में। अब कई लोग कह रहे हैं बिहार जो है, बिहार ये दिवस जो मनाया जा रहा है उसको हम बदनाम कर रहे हैं। बदनाम काहे कर रहे हैं भाई, हम बदनाम नहीं कर रहे। नीतीश, अब बताइए ग्लास का व्यवस्था नहीं है, क्या करे, प्यास लगा हुआ है, प्यासे क्या करे, बताइए आपको। यस 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 बिल्कुल, देखिए ये लोग खुद बता रहे हैं कि ग्लासे नहीं दिया है तो पानी कैसे पियेंगे, पानी हाथे लगा के ना पियेंगे, और जब हाथ लगा के पियेंगे तो एक हाथ में पानी पियेंगे तो 5 हाथ से पानी बर्बाद होगा। और भी कहना चाहता हूँ, सिर्फ चमक धमक से काम नहीं होता है, ऊपर में जो आप कारपेट बिछा दिए हैं उससे काम नहीं होता है, बिहार बदलना पड़ता है समझे। जैसे बदलेगा इसका कोई एक, एक, एक लाइन है, एक लाइन है, जब खरगोश जब चली जाती है, जब मुसी लगा हुआ था, पानी नहीं पी पाए। अच्छा वो तो नीतीश कुमार जी ने बताएंगे जी कैसे मैनेजमेंट किसको दिए हैं। बड़ी बात, चलिए बात को खत्म करते हैं, लेकिन एक बात बताते हैं, अभी 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 एक मिनट थोड़ा सा इधर आइएगा, थोड़ा सा साइड हट जाएगा, वहाँ से शुरुआत होती है पानी की, और इधर पीछे हटिएगा, लगभग 20 मिनट से यहाँ तक पानी का जमावड़ा हुआ है और अभी रात बाकी है, रात तक में और भी यहाँ से कतारें लगेंगी। हालांकि जो सरकार है, जो मैनेजमेंट है, वो अभी हमारे पास आके कह रहे थे भैया जो अच्छा है वो वीडियो बनाइए ना, ये सब क्यों दिखा रहे हैं। पानी जल ही जीवन है का नारा खुद निकालते हैं, और जल ही कितना जीवन है, कितना बर्बादी कर रहे हैं वो आप खुद देख रहे हैं। जानते हैं अंकित जी, एक चीज मैं और मैं बताना चाहता हूँ, पिछला बार नीतीश कुमार जी बहुत बड़े बड़े इसमें लगाए हुए थे, जो यहाँ पर कृषि जल संचय फलना चलचय अभी भी एक दो को लगाए हुए हैं। पिछला बार हमने बताया कि क्या कर रहे हैं जी आप जो झांकी दिखा रहे हैं लोग को, तो सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, अभी भी जो है जो बेवकूफी बना रहे हैं। बताइए जल के किस तरह से संचय हो रहा है, सामने में दिख रहा है, अब वर्षा जल संचय करेंगे, नीचे वाला जल जो है जो अमूल्य है, जो है अमृत के समान है, उसको तो बर्बाद कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं जो हम ऊपर वाला जल का संचय करेंगे। महाराज आप जैसा मुख्यमंत्री तो हम पहली बार देखे हैं। ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो गलत है, देखिए वहाँ पे जो मजबूर के शिकार लोग अब पानी की बर्बादी देख रहे हैं, हम लोग भी इस पानी की बर्बादी देख सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकारी है, सरकारी में हस्तक्षेप करेंगे तो हम लोग पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो के बाद आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।